हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे आप 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का, और 8 क्लास में आप पढ़ेंगे रेशनल नंबर, अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, भिन्न भिन्न साइन लेते हुए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इटीसी। तो आइए आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखते हैं। इफ A by B and C by D are two rational numbers, आपका A by B and C by D टू रेशनल नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई के लिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी। इट इज रिटेन एज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। ये मल्टीप्लीकेशन का डिफाइन कहता है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर ऊपर क्या हो गया, न्यूमरेटर ये है इस रेशनल नंबर का, इसका न्यूमरेटर ये है, इस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर सी है, तो पहले दोनों का न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी बाई न्यूमरेटर बी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डी। ये आपका डिफाइन करता है मल्टीप्लीकेशन का। ये प्रक्रिया आप हर जगह मल्टीप्लीकेशन में जो भी आप बनाएंगे सोल्व करेंगे, इसमें ये प्रक्रिया आपको करना रहेगा हर जगह। अब है माइनस प्लस माइनस माइनस के साइन के रूप में किस तरह से हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लिए आपका रेशनल नंबर है 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। आपका रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसके बाद दोनों को 2 3 टाइम्स 6 और 3 5 टाइम्स 15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला देंगे, 3 2 टाइम्स 3 5 टाइम्स यानी 2/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। मल्टीप्लाई जब इस तरह से आप पूर्णतः सीख जाएंगे तो आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ भी न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ला सकते हैं।
ये आपस में भी कर सकते हैं, ये आपस में भी कर सकते हैं, या इसका न्यूमरेटर इसके साथ डिनोमिनेटर भी काट सकते हैं, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन आगे प्रक्रिया स्वतः आप बनाते बनाते आप सीख जाएंगे कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हम पहले काटें या लास्ट में जाकर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप सीख जाएंगे धीरे धीरे तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ें। एग्जाम्पल वन हो गया, टू एग्जाम्पल लीजिए। माइनस टू, इसका हम माइनस ले लेते हैं, माइनस टू बाई फाइव। दूसरा हम ले एग्जाम्पल से समझे, उसके बाद वन बाई थ्री। अब यहाँ देखेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, माइनस टू का माइनस साइन है, वन का प्लस साइन है, तो माइनस अब प्लस साइन रहता है, इसका मल्टीप्लाई जब करते हैं तो साइन जो है किस में बदल जाता है, इसमें माइनस प्लस रहने पर हाँ एस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस माइनस टू बाई फाइव थ्री टाइम्स। साइन पर ध्यान देना है, हम एग्जाम्पल हर साइन के ऊपर एक एक एग्जाम्पल आपको ले देते हैं, आपका क्वेश्चन जो सोल्व रहेगा बुक में एक्सरसाइज में आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर बाई फाइव मल्टीप्लाई माइनस टू बाई थ्री। यहां देखा जाए ये प्लस पॉजिटिव जो है रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस, प्लस माइनस आपका चिन्ह बता दिया गया है, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस दो स्थिति में होता है, तो यहाँ प्लस है आई माइनस है तो माइनस होगा, फोर टू टाइम्स एट बाई फाइव थ्री टाइम्स फिफ्टी, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया रिजल्ट प्राप्त। चलिए आगे बढ़ें, यदि दोनों माइनस हम लेकर के चलते हैं तब क्या प्रक्रिया होगा ये भी समझना है। माइनस फाइव बाई सेवन मल्टीप्लाई माइनस टू बाई थ्री। चलिए रूल अप्लाई करें, माइनस फाइव माइनस टू, डिनोमिनेटर दोनों माइनस में है, देख रहे हैं ना, इसका न्यूमरेटर माइनस फाइव इसका भी न्यूमरेटर माइनस टू, दोनों मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डिनोमिनेटर में चलिए सेवन मल्टीप्लाई थ्री, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस गुणे माइनस आपका प्लस साइन होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस जो है साइलेंट रहता है, फाइव टू टाइम्स टेन बाई सेवन थ्री टाइम्स ट्वेंटी वन, क्लियर। चलिए और इस प्रकार जारी रहेगा एग्जाम्पल, तब क्या करेंगे ध्यान देंगे, इसके पहले जो है वीडियो में आप पढ़े होंगे, माइनस टू बाई फाइव मल्टीप्लाई वन बाई माइनस थ्री। देखिए डिनोमिनेटर निगेटिव साइन में रहता है तो आपका सबसे पहला काम हो जाता है नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करना। तो यहाँ पर माइनस डिनोमिनेटर है नेगेटिव में, तो इसका हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाने के लिए माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में बनाते थे, बताया गया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि इसका यूज आप बहुत बार कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट इसको जो है से डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देंगे और ऊपर न्यूमरेटर को टू बाई फाइव मल्टीप्लाई ए माइनस जो है से न्यूमरेटर के साथ ला सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से पढ़ चुके हैं। इक्वल
न्यूमरेटर माइनस टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर माइनस वन बाई फाइव मल्टीप्लाई थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई वन टू हो गया, अब फाइव थ्री टाइम्स फिफ्टीन हो गया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बड़ा बड़ा अंक लेकर के भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि देखिए एक और लेते हैं बड़ा में सिक्स एग्जाम्पल, इसको समझ लीजिए। सिक्सटीन बाई माइनस ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई फोर्टीन बाई फाइव, ये आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव में है, इसका पॉजिटिव में बना देंगे। माइनस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी वन फोर्टीन बाई फाइव न्यूमरेटर न्यूमरेटर, माइनस सिक्सटीन मल्टीप्लाई फोर्टीन बाई ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई फाइव। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने लायक है, जो कटने लायक है, यहाँ आप काट सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप लास्ट में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। आपको इजीली आप यहाँ क्योंकि स्मॉल आपका डिजिट होता है, इसको आसानी से आप काट सकते हैं, इसलिए आप प्रयास करेंगे कि पहले ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दें, आपको बनाने में इजी होगा मल्टीप्लाई करने में। सेवन टू टाइम्स और सेवन थ्री टाइम्स, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ला दिया, सात से सात नहीं, सेवन टू टाइम्स हो गया फोर्टीन और सेवन थ्री टाइम्स ट्वेंटी वन इक्वल माइनस सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू हो गया और थ्री मल्टीप्लाई फाइव, ये माइनस प्लस हुआ। देखिए साइन माइनस प्लस क्या होता है, आपका माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस इक्वल माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस प्लस माइनस, इस तरह से माइनस माइनस प्लस होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये पहले बता चुके हैं, ये ध्यान देंगे। देखिए तो माइनस प्लस माइनस हो गया, सिक्सटीन टू टाइम्स थर्टी टू बाई थ्री फाइव टाइम्स फिफ्टी। इस तरह से डिजिट बड़ा होते जाएगा, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा और इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से आपने सीखा आज, इस पर एच डब्ल्यू आपको कुछ दे देते हैं इस पर बनाने के लिए, फिर आगे जो पढ़ने के लिए होगा आगे प्रक्रिया रहेगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। मल्टीप्लाई सीखने के बाद आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई कैसे करेंगे ये बता दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है से आगे आप ये बनाएंगे, कुछ हम क्वेश्चन देते हैं।
verify the given question. Three by 7. Multiply -5/9 equal -5/9 multiply 3/7. Five by seven multiply 12/13 multiply 7/18 equal 5/7 multiply 12/13 multiply 7/18. तीसरा क्वेश्चन 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 12/13 इक्वल 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 12/13. एक और लिख लें, -38 मल्टीप्लाई -7/19 इक्वल -7/19 मल्टीप्लाई -38. अब देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, कैसे हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे नियम आप जान रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें इक्वल के लेफ्ट साइड LHS हम लेते हैं, ये जानते हैं, चाहे LHS से इसको पहचानते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल LHS और राइट साइड वालों को हम RHS से हम जानते हैं, तो ये LHS दे करके इसका हम निकाल लेंगे सोल्यूशन, RHS दे करके इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए, वो वेरीफाई कर चलेगा। इक्वल नहीं आता है यदि, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, इसलिए हर हाल में इक्वल आना चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्रुप में है, ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उसका क्रिया हम पहले करते हैं, एक क्रिया करने के बाद तब इसके साथ हम क्रिया करेंगे, ये नियम के साथ आगे चलेंगे, उसके बाद RHS पहले ए स्मॉल कोस्ट के अंदर का हम सॉल्यूशन करेंगे, आफ्टर दैट इसके साथ सॉल्यूशन करेंगे, तब LHS और RHS दोनों इक्वल आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, पहले नियम के अनुसार ये इसमें मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई वाला रूल से बनाएंगे, यहाँ ऐड है, प्लस का चिन्ह है, देखते हैं, तो यहाँ हम ऐड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ बारी बारी से मल्टीप्लाई किया गया है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, प्रॉपर्टी जब रेशनल नंबर में है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बताया था, उसका फॉर्म
इस प्रकार होता है। तो पहले एक क्रिया करने के बाद इसके साथ करेंगे, यहाँ एक क्रिया इसका कर लेंगे ब्रैकेट वाला, उसके बाद एक करेंगे, दोनों जो है से एल एच एस आर एच एस इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए ये पहले इसका क्रिया कर लेंगे एल एच एस, इसका क्रिया करेंगे आर एच एस, दोनों इक्वल आना चाहिए। अब आपका प्रॉब्लम क्या जो है से होगा, प्रॉब्लम आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, उसका अभ्यास धीरे धीरे जो है से आप करते रहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए अगले फर्स्ट वीडियो में ही जो है से बताया गया होगा, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बता दिया गया है कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। बड़ा जब अंक होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ प्राप्त करते हैं, एचसीएफ जितना आता है उससे हम दोनों न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, और जो उसका कोशेंट आता है भागफल आता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आपका वही होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, मल्टीप्लाई में सबसे प्रॉब्लम है बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। काटने के लिए जान गए तो आपका न्यूमरेटर न्यूमरेटर गुना करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, आसानी से आप जो है से उसको रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लाएंगे, आपका डिजिट छोटा है तो उसको जैसे सिक्स है ट्वेल्व, सिक्स टू टाइम्स ट्वेल्व, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जाना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ देखिए कहीं होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी जो है से काट सकते हैं, 19 है, 19 है, यहाँ 38 है, 19 टू टाइम्स कितना होगा 38, तो यहाँ भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, काट सकते हैं। यदि ऐसे नहीं आएगा तो हम डिवाइड जो है से करके देख लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप, 38 है इसको हमको काटना है 19 से, चलिए टू टाइम्स कट जाएगा 19, ये टू टाइम्स कट जाएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, बहुत आपका प्रोसेस है, और प्रोसेस है इसको प्राइम फैक्टर में भी तोड़ करके काट सकते हैं, प्राइम फैक्टर जैसे हमको काटना है, ये हमको काटना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो या तो दोनों का एचसीएफ हम प्राप्त कर लेंगे, 12 और 16 का एचसीएफ, तो एचसीएफ भी प्राप्त करने का डिवीजन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, तो जो मेथड प्राप्त कर सकते हैं जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से चलना है तो इसका क्या होगा 2 × 2 × 3, और 16 का क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2, 16 का जो है प्राइम फैक्टर। अब ये एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, ये आपका कॉमन है दोनों में, ये आपका कॉमन है दोनों में, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो यही 2 कॉमन है 2, यानी कि एचसीएफ का आपका 4 हो गया। अब 4 से दोनों में हम डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इजीली जो है से आ जाएगा, चलिए डिवाइड किया 4 से, डिवाइड किया 4 से, 4 × 3 × 12, 4 × 4 × 16, यानी ये आपका जो है 3/4 × 16 हो गया। ऐसे भी काट सकते हैं, या यदि आप जान रहे हैं अभ्यास आपका काटने के लिए हो चुका है इसको काटना है, तो कॉमन ऐसा हम डिजिट चुनते हैं कि दोनों डिवाइड हो जाए, पूर्णता है दोनों में भाग अच्छी तरह से लग जाए, तो कौन सा अंक हम चुनेंगे, 2 भी चुन सकते हैं, 2 से भी जो है आप दोनों काट सकते हैं, छोटे छोटे अंक लेकर के भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 से हम लेना चाहते हैं 2 × 6 × 12, 2 × 8 × 16, फिर 6 × 2 जो है से 2 से ये कटेगा, 2 × 3 × 2 जो है से 4 × यानी 3/4, इस टाइप से भी जो है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे हम प्राप्त करेंगे 12 और 16 का,
तो बड़ा में हम 12 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 12 सेपरेट करेंगे, 4 थ्री टाइम्स, चलिए इसका डिवाइजर जो है HCF कितना आया, तो इस टाइप से डिवीजन मेथड से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप HCF बड़ा जल्दी रहेगा, बड़ा बड़ा अंक मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, गुणा करने के लिए, तो उसके लिए HCF से डिवीजन मेथड से HCF निकालिए, या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, या आप मेंटली जो है HCF आप निकाल करके उसको काटना चाहेंगे वैसे भी काट सकते हैं। ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको क्लियर हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में खास करके प्रॉब्लम, और डिवीजन में भी जो है आएगा, क्योंकि डिवीजन को ही कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और उसके बाद ये प्रोसेस आपको करना पड़ता है। इसलिए मल्टीप्लीकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपका डिवीजन ऑटोमेटिक ईजी हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, और इस तरह से मल्टीप्लाई एक्सरसाइज बुक से एक्सरसाइज 1C का है आप बनाएंगे, बनाने के लिए और जो है से HW यहाँ और दे देते हैं, आप बनाएंगे मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2/5 1/-3 मल्टीप्लाई 9 -1/5 मल्टीप्लाई -3/10 -10/16 मल्टीप्लाई 32/49 -12 मल्टीप्लाई 1/6 10 25 मल्टीप्लाई 1/-5। बस आज इतना ही काफ़ी है, आप इतना सीख जाते हैं तो हम समझते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप आसानी से दिए गए एक्सरसाइज 1C का ऑल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है आप लोगों पर। तो आप इसको बनाएंगे, आज बस इतना ही, आगे की वीडियो में इसे आगे हम बढ़ेंगे, तब तक इसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। थैंक्स, गुड बाय।